आज अगर बढ़िया हमने डिबेट करे वाला सांसद रहत है, लड़े वाला सांसद रहत है, तो सबसे पहले खूंटा गाड़ के रोडवा के बीच में खड़ा भाग जाता है कि देखिए रोड के लिए जमीन देने से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा मेरे अनुसार लगाइए, ये जमीन मेरा है। जब से भारत देश आजाद नहीं हुआ है उससे कई हजार साल पहले से जमीन हेलो हेलो। यानी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान में चंद्र प्रकाश चौधरी साहब और कभी रविंद्र पांडे साहब रहा तो यदि अपने ढंग के लीडर रहते तो अगर मैं चर्चा बतले खूंटा गाड़ के खड़ा भाई चलाए कि जब तक मुआवजा के रेट सही ना लगतो तब तक कोई सड़क के निर्माण आगू ना बढ़तो। लेकिन यहाँ तो विधायक बहुत सुना है सीधा सड़क के टेढ़ा कर दल की भाई तो हमारे घर बैठा के ढुक के चल। इस देश में एगो प्रधानमंत्री अलग ओकर नाम लगल चौधरी चरण सिंह, वो भारत देश के पांचवा प्रधानमंत्री लगल। वो एक बात हमेशा बोला हलय कि चूंकि कसमार यानी किसान, कसमार के आदमी पहचान किसानी से हो, खेती बाड़ी से हो, कसमार के पहचान, यहाँ कोई फैक्ट्री ना हो ना यहाँ कोई कंपनी हो, कसमार यानी किसान। तो देश के पांचवा प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक बात बोला हलय कि अरे हो किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। लाल किला के मचान यानी वोट, राजनीति में नजर रखियो, कहे बताओ ने तोर खेतवा तो तोर घर धारी हो, तोर घर के बगल में खेत हो, लेकिन रसीद कहाँ काटो हो सीओ के ऑफिस में, अगर नियम भूमि अधिग्रहण बिल कहाँ बना हो, लोकसभा में बना हो, राज्यसभा में बना हो, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे हो कहाँ अगर भूमि अधिग्रहण कानून बना हो तो धारे अपन खेत जोतते रह गए और वहाँ कानून बन गए और जमीन रातों रात अधिग्रहण कर ले लो। सही खातर कहा लाए कि एक नजर लाल किला के मचान में और एक नजर खेत खलिहान में तब एक किसान खुशहाल रहा। इसलिए आज तोहनी के अपन बीच एगो बढ़िया नेता चुने हतो जो तोर अधिकार के खातिर लड़ सकल हो। अरे हमेशा याद रखिया अभी वोट के समय बहुत जाने तो कह तो मोदी जी के देख के वोट दी ना ये गिद्रोन के पीछे कहे लगल है। तो एक बात तोहनी से पूछे चाहियो, ससुर के देख के बेटी दबा ससुर के बैग देख के बेटी दबा नहीं तो जय सवाल करतो कि मोदी जी के देख के वोट दे दिया सांसद के, तो अभी बिल्कुल ना है ससुर के देख के बेटी ना मिलतो, जे लड़ हो ओकर में दम हो तबे वोट मिलतो। आज एखनी के हमने वोट की खातिर दे लिए, हमने की खातिर वोट दे लिए कि हमार पढ़े लिखे वाला गिदर के मौका मिलता है नौकरी चाकरी में, हमने वोट दे लिए कि हमार खेती बाड़ी में सब्सिडी मिलता है, तमाम उरिया तमाम खेती के इरिगेशन के व्यवस्था रहता है, सही खातिर हमने वोट दे लिए। लेकिन आज तो नहीं देख ले एक से पहले पांच बेर रविंद्र पांडे जी के दिलिए और हमने पांच बेर जीत लिए, लेकिन ता वो झारखंड के लोग के चिंता नहीं कर ले, वो चिंता कर ले अपन बेटवा के टुंडी से कहले बेटा विधायक बन रहे और वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी साहब एक हमने कहा रामगढ़ से आगे गिरिडीह में जीत लिए, लेकिन यो की कर ले खुद एमपी और पत्नी के रामगढ़ से जाके एमएलए बनाए दिलो, अपन बारे सोचे वाला नेता के चुन तोर बारे जो सोचते हो संग लीडर चुन, ये वोट तोर एगो हथियार लगो, अधिकार के पावे के हथियार लगो, तोर गिदर पुत्र अच्छा से पढ़तो कैसे ओकर अधिकार लगो वोट, तोर गांव में बिजली सड़क पानी कैसे है तो ओकर खातिर लगो वोट, ये 500 रुपया में मुर्गा दारू में दिए के बात बंद करा, नहीं तो इसने गांव के गांव चारों धार फैक्ट्री कहीं कंपनी कहीं सड़क बनतो एक झटका में रातों रात जमीन ले लेतो, तोर खातिर बोले वाला कोई नहीं रहतो। और साथ ही साथ जितना भी नारी शक्ति है तोहनी से एक बात कहो, आज से 40 साल पहले ऐसा व्यवस्था हलाय कि पुरुष के बीच में के नारी कोई मीटिंग सुना हलाय
आज से 40 साल पहले से व्यवस्था ना अलग हो जितना महिला सब हा कि मर्द के बीच में अगर मेहरारू मीटिंग सुने जाए कभी ना भेवा हल है। लेकिन आज अगर तोर जीवन में इतना बड़ा बदलाव आये हो तो अगर दो को कारण हो, पहला पढ़ाई लिखाई, एक से पहले डॉक्टर के बना हल न मर्द बेटा, मास्टर के बना हल न मर्द बेटा, इंजीनियर के बना हल न मर्द बेटा, एरोप्लेन के उड़वा हल न मर्द बेटा। लेकिन आज पढ़ाई लिखाई में इतना ताकत है कि जे काम तो मर्द बेटा कर लेटी मेहरारू बेटी छोटे करके देख लाए पढ़ाई लिखाई ताकत लगे। दूसरा कहने के बीच में बदलाव अलो वोट, जब वोट अलो ना तब बदलाव अलो। अब बोलबा कैसे तो आज झारखंड के हरेक दूसरा पंचायत के मुखिया के लगे पता हो मेहरारू लगे, हरेक दूसरा। अगर सिंहपुर के ना लगो तो कसमार के लगो, और कसमार के ना लगो तो मंजूरा के लगो। लेकिन हरेक दूसरा पंचायत के मुखिया के लगाए एगो बेटी छुआ लगे कहे वोट के कारण। इसलिए वोट के दारू पी के तो कह के पति कह तो नहीं मानिया, वोट तो तकदीर बदल लो। मैं तो आज से पहले कहा यदि एक फिर पांच को कुर्सी लग दल तो तुम हिम्मत हो कि कुर्सी लेके मरद गिला के बीच बैठे पड़ दल, जितना भी माई मौसी है इतना हिम्मत हल कि पांच गो कुर्सी लगल है पर ससुर भेसुर सब हो और कुर्सी बैठे पड़ता ना बैठे पड़ता। लेकिन आज गांव के सबसे ऊंचा कुर्सी में बैठे अगर ना मुखिया लगाए और एगो मेहरारू व्यवहार है, यानी वोट के कारण बदलाव है। तो वोट सोच समझ के करे लगे और साथ ही कहो वोट विकास के नाम पे, वोट रोजगार के नाम में, वोट शिक्षा के नाम में होना चाहे, वोट जाति धर्म और भगवान और भूत के नाम पे नहीं होना चाहे। इस बात के भी याद रखिया, बहुत कोई डरे तो पहले लोग भूत के नाम से डरवा हल।